दोस्तों आज के एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर भारत के मिसाइल के वीडियो लेकर आए हैं और आज हम लोग बातें करेंगे भारत के उस मिसाइल के बारे में जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। उस मिसाइल को शौर्य मिसाइल का नाम दिया गया है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ऐसे ही वीडियोस रोजाना पाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं शौर्य मिसाइल की ओर। दोस्तों यह मिसाइल सरफेस टू सरफेस अटैक करने में माहिर है और यह मिसाइल भारत के क्रूज मिसाइलों में शामिल है। इसे DRDO द्वारा 2011 में बनाया गया था। अब हम आपको बताते हैं इसकी रमदार परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों इसका वजन 6.2 टन है जिसकी लंबाई 33 फीट है और इसकी डायमीटर की बात करें तो वो है 2.4 फीट के आसपास। दोस्तों शौर्य मिसाइल 180 केजी से 1000 केजी तक का वारहेड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों इसका सफल परीक्षण कम्प्लेक्स थ्री इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किया गया। यह मिसाइल के परीक्षण के दौरान 7.5 मैक की गति से उड़कर अपने फुल रेंज को सिर्फ 500 सेकंड में पूरा कर लिया। अब बात करें इसके इंजन की तो यह 2-स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट मोटर इंजन से लैस है और इसकी मारक क्षमता इसकी वारहेड से तय की गई है। यदि इसकी वारहेड 1000 केजी है तो इसकी रेंज लगभग 700 किलोमीटर होगी और अगर इसकी वारहेड मात्र 180 केजी है तो इसकी रेंज बढ़कर 1900 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। इसकी मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड है 40 किलोमीटर और इसकी स्पीड 9187 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रिंग लेजर गायरो INS-30M CEP गाइडेंस सिस्टम से लैस है। इसे खासकर इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए बनाया गया है और इसे किसी भी लैंड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी भारतीय मिसाइल शौर्य की कुछ खास जानकारियाँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव और शेयर करें इस वीडियो को। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही उस घंटे को भी दबा दें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।